पवन तनय संकट हरन मंगल मूरति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप हृदय बसहु। आपने सुना होगा हनुमान जी के तीन पिताओं की कथा लिखी है सब जगह। पहले पिता शंकर सुवन, पहला शंकर सुवन, दूसरा केसरी नंदन, दो हो गए। तीसरा पवन पुत्र, कितने हो गए? पवन पुत्र भी कहते हैं, शंकर सुवन भी कहते हैं और केसरी नंदन, तो एक हनुमान जी के पिता कितने? तीन। अब ये कैसे बात समझ नहीं आती लोगों को, हनुमान जी के जन्म। आज हनुमत रहस्य नाम की एक पुस्तक है, उसमें हनुमान जी का ये पूरा रहस्य दिया गया है। हनुमान नाटक करके भी एक पुस्तक है, उसमें भी हनुमान जी का पूरा चरित्र दिया है, रहस्य और नाटक, उनमें ये चर्चाएं मिलती हैं। ये चर्चाएं सब जगह मिलती नहीं है। हनुमान जी का चरित्र बहुत ज्यादा मिलता नहीं है, पर शास्त्रों में बहुत गूढ़ तरीके से हनुमान जी का ये चरित्र संक्षिप्त में लिखा हुआ है। कहा जाता है कि एक बार भगवान शंकर भगवान श्रीमन नारायण से बोले कि मैंने आपके सारे स्वरूप देखे हैं, एक बार मुझे अपना मोहिनी रूप दिखाओ। तो भगवान श्री नारायण भगवान ने कहा, शंकर जी ये रूप मत देखो, आप देखेंगे तो पागल हो जाएंगे। शंकर जी ने कहा, नहीं नहीं, हम तो काम को जीत चुके हैं। मोहिनी भगवान भगवान श्रीमन नारायण ने कहा, भले जीत गए हो, आज हार जाओगे, ना देखो तो ही अच्छा। नहीं नहीं, हमें तो आज मन है। जब भगवान श्रीमन नारायण ने अपने आप को मोहिनी बनाया, मोहिनी रूप में स्त्री बना लिया, मोहिनी अवतार लिया ना भगवान ने, स्त्री अवतार, जब भगवान मोहिनी बनकर आए तो भगवान शंकर ने जब मोहिनी भगवान को देखा तो देखते ही उनमें आसक्त हो गए। वाह, शंकर जी का मन डोल गया और शंकर जी मोहिनी भगवान के पीछे दौड़ने लगे। तो भगवान भागे, अरे शंकर जी रुको भाई। शंकर जी नहीं रुके, दौड़ पड़े। तभी मोहिनी भगवान को देखकर शंकर जी को रहा ना गया और भगवान शिव का तेज निकल गया। उस तेज को भगवान श्रीमन नारायण ने, जो मोहिनी बने थे, तुरंत वो अपने नारायण रूप में आए और शिव जी के तेज को उन्होंने अपने हाथ में लिया और कहा कि यह शिव का तेज यदि पृथ्वी पर गिरेगा तो सारी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, सारी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, क्या करें इस तेज का। तभी गौतम नारी अहिल्या, गौतम जी की नारी अहिल्या की एक बेटी है अंजनी। अंजनी किसकी बेटी है? माता अहिल्या की। अहिल्या की बेटी को किसी ने बचपन में कह दिया था, अंजनी तुझे कुंवारे में बच्चा पैदा हो जाएगा। तब अंजनी ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं किसी पुरुष को कभी देखूंगी ही नहीं। उस दिन से वो जंगल गई, एक गुफा के अंदर रहती और वहीं भगवान का चिंतन करती है, किसी पुरुष को देखती भी नहीं है अंजनी माता। शंकर जी का तेज हाथ में लेकर भगवान श्रीमन नारायण चले, शंकर जी भी चले, तो वहां अंजनी गुफा में थी। तो संतों ने कहा, भगवान नारायण संत बन गए ना, साधु रूप बना लिया, अरे बेटी हमें भूख लगी है, कुछ खाना पीना मिलेगा? अंजनी ने कहा, जरूर मिलेगा, पर मैं किसी पुरुष का मुंह देखती नहीं हूं। एक काम करो कि ये
दाना पानी हमसे यूं ही ले लो। माता अंजनी एक बड़ी जगह पर रहती थी, अंदर ही सब कुछ हो जाता था, उनको बाहर निकलने की जरूरत नहीं, कोई अंदर आता जाता नहीं था, केवल उनकी सखियां उनकी सेवा में रहती थी। तो अंजनी ने अन्न पानी बाहर से दे दिया तो भगवान बोले, सुनो हम खा तो लेंगे पर तुमने गुरु मंत्र लिया है, जो गुरु मंत्र नहीं लिया होता हम उसके हाथ का खाना पीना नहीं खाते। तो अंजनी ने कहा, तो फिर आप ही गुरु बन जाओ, तो चलो अपना कान दिखाओ। तो वहीं से उनने अंजनी माने अपना कान यूं किया तो वो तो भगवान नारायण थे। भगवान नारायण ने अंजनी के कान से उस वीर्य को, उस तेज को, शंकर जी के तेज को अंजनी के कान में पवन के द्वारा, वायु के द्वारा, वायु से कहा, वायु इसे हाथ से उठाओ और अंदर इसके ले जाके गर्भाशय में स्थापित कर दो। तो अंजनी के कान से वह तेज गर्भ में गया और वो गर्भवती हो गई। शंकर जी का तेज था इसलिए शंकर सुवन, पवन देव के द्वारा कान से गर्भ में गया इसलिए पवन पुत्र, और अंजनी का अंत में केसरी नाम के व्यक्ति से विवाह हुआ इसलिए केसरी नंदन, इसलिए हनुमान जी के तीन ये पिताओं की चर्चा है। इसलिए शंकर सुवन, केसरी नंदन और पवन पुत्र, तो हनुमान जी के जन्म की ये कथा। फिर केसरी से विवाह हुआ, फिर इनके हनुमान जी हुए और जन्म लेते ही पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाए। हनुमान जी पैदा होती सबसे पहला काम क्या किया उनने, माँ बड़ी भूख लगी है, अच्छा देख वो पेड़ पर लाल लाल फल लगा हुआ है, जाके खा ले पका हुआ। माँ ने तो उंगली ऐसे खींची, हनुमान जी को लगा कि वो उसको कह रही है जो अभी अभी निकला है, कौन, सूर्योदय हुआ था, लाल लाल सूर्य भगवान, वो वाला फल। हनुमान जी ने जो छलांग लगाई, देखिए जाके सूर्य भगवान को खा गए फल समझ के। अब सूर्य भगवान बोले, हे भगवान अब कहां जाए, हाहाकार मच गया, इंद्र आए, देवता आए, ब्रह्मा आए, सब आए, हनुमान जी तो बस बचाओ बचाओ सूर्य भगवान चिल्ला रहे। तब हनुमान जी से कहा गया, आप छोड़ दीजिए, इंद्र ने कहा मेरा वज्र तुम पर कभी कोई प्रभाव नहीं डालेगा, मैं तुम्हें वरदान देता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा मेरा ब्रह्मास्त्र कभी आपको परेशान नहीं करेगा, कभी आपको वो लगेगा ही नहीं। भगवान श्रीमन नारायण ने कहा मेरा सुदर्शनास्त्र तुम्हें कोई, अग्नि ने कहा हमारा आग्नेय, शंकर जी ने कहा हमारा कोई अस्त्र शस्त्र तुम पर काम, तुम सबसे बलशाली हो, छोड़ दिया हनुमान जी ने, है ना। ऐसे वो मुंह फुलाए थे, सूर्य अंदर थे, भगवान ने ऐसे मारा तो सूर्य भगवान चले ऊपर, हनुमान जी नीचे आए। कुल मिला के हनुमान जी का चरित्र ये बता रहा है कि इस धरती पर ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज नथिंग इज इम्पॉसिबल एवरीथिंग इज पॉसिबल। इसका अर्थ चौपाई में सुनो, चौपाई इसकी क्या है, कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाही। ऐसा कौन सा कारज है जो हनुमान जी आप नहीं कर सकते, ऐसा कौन सा कारज है जो मेरे भारतवासी आप लोग नहीं कर सकते, बताइए कौन सा कारज है। हनुमान जी कितनी पॉजिटिव बातें, पॉजिटिव कथा है, कौन सा ऐसा कार्य है जो आप नहीं कर सकते। आज के हमारे जवान भाई बहन परेशान रहते हैं, महाराज जी हम सफल कैसे हों, हमें कामयाबी कैसे मिले। अरे कामयाबी सफलता कोई बड़ी बातें नहीं है, बस आप सीखो तो सही। क्या सीखना है, आप सदा पॉजिटिव रहो,
एक सोच ये होती है कि मैं नहीं कर सकता और एक सोच ये होती है कि मैं कर सकता हूँ। और जो ये सोच के चलता है कि मैं कर सकता हूँ वो सच्ची कर लेता है, और जो सोच के ही निकलता है कि मैं नहीं कर सकता वो कर भी सकता था पर सोच ही लिया कि नहीं कर सकता, इसलिए नहीं होता। इसलिए हनुमान जी कोई सोच के नहीं चले थे कि मैं सूर्य को खा जाऊंगा, लेकिन चल पड़े तो खा भी लिया। अरे चल पड़ोगे कामयाबी की ओर तो कामयाब हो भी जाओगे, अभी तो चले ही नहीं, सोच रहे कामयाब होंगे क्या, होंगे क्या।